मान लीजिए ऐसा अगर बजट में देखें तो फिर अंडमान बेस्ट है अपने इंडिया के लिए। यू डोंट हैव टू गो टू बैंकॉक एंड पटाया और मालदीव्स। हम तो बिहार से हैं। घूमने के लिए फैमिली के साथ। हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मतलब काफी बढ़िया लग रहा है, आज दूसरा दिन है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लगता है ये टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छा उभर कर निखर कर आ रहा है। मतलब मालदीव ऐसा अगर बजट में देखे तो फिर अंडमान बेस्ट है अपने इंडिया के लिए, तो हाँ तो अंडमान में आ सकते हैं। यहाँ अभी पोर्ट ब्लेयर में आपको बीचेस मिलेंगे, हैवलॉक में मिलेंगे, बाकी अभी नील पे भी है, तो हाँ काफी वेरिएशन है यहाँ पे, मतलब ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। आप घूमने आए हैं, लगता है कि कंपैरिजन में ये भी अच्छा एक दिखा। हाँ कह सकते हैं, बट हाँ अगर उससे कंपैरिजन में हाँ लाइक होटल्स वगैरह जो बीच साइड होटल्स होते हैं ना बीच में जैसा मालदीव में वैसे डेवलप हो जाए तो बिल्कुल फिर तो ये बेस्ट होगा अपने लिए। लगता है कि सरकार ने काम किया। हाँ क्योंकि मतलब अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी का देखे तो इतनी दूर हर मतलब जियो एयरटेल हर सारे नेटवर्क सही रहते हैं और रोड्स भी काफी सही हो रखी है तो फिर कनेक्टिविटी सारी की है। आई एम श्रीधर एंड वी आर फ्रॉम बॉम्बे एंड इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इन अंडमान्स एंड आई मीन सच ब्यूटीफुल टर्कोइज ब्लू वाटर्स। यू डोंट हैव टू गो टू बैंकॉक एंड पटाया और मालदीव्स। आई थिंक अंडमान इज अ प्लेस वेयर देयर अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया एंड आई थिंक अंडमान शुड बी प्रमोटेड एज अ नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन सो दैट पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड कैन कम ओवर हियर। बहुत ज्यादा ऑसम, इट्स वन ऑफ द मोस्ट wonderful places, like heaven on earth है, बहुत ही अच्छा है। इलेक्शन अब बेहद था कि यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए अंडमान सरकार ने काम किया। पक्का जरूर किया है, जिस तरह जो भी चीजें दिख रहा है, ये भी मेरा भी ये पहला ट्रिप है तो मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन जैसा चीज है एवरीथिंग सीम्स वेरी गुड, ऑल द फैसिलिटीज एवरीवेयर लाइक ऑन द बीच और एनी प्लेस इट्स क्लीन एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड, सो आई थिंक definitely the government has worked. Today we have come in Kalapathar, so I guess this is the most beautiful beach I have come across till now in entire Andaman till now, and I got recently married, so looking for some good destination within India only, so I guess this is the best thing which is available here, and it's very safe out here, very peaceful, and everybody is very busy in themselves only, nothing to bother about, so yeah, this is definitely a good choice. Do you think the government has worked a lot over here because the kind of cleanliness which we see over here, the kind of roads, the kind of facility which is available, definitely it has improved and it will improve more in future. काम करते हैं, दुकान चलाता है। कितने समय से चला रहे हैं? हम सुबह 4 बजे से खोलता है, 6 बजे 6:30 बजे घर जाता है। कितने समय हो गया चलाते दुकान? हम 6 साल हो गया, हमारा ये दुकान जो है 6 साल हो गया। काम सही चलता है? काम सही चलता है, लेकिन गेस्ट आके इधर रुकता नहीं ज्यादा टाइम, जो सीजन टाइम आता है हवा में पूरा कचरा भर जाता है, बीच में आके बोलता बहुत कचरा है, गंदा है, चला जाता,
बैठने का जगह ठीक नहीं है, लाइटिंग नहीं है, अंधेरा हो जाता है, कोनो पार्किंग प्लेस नहीं है, चेंजिंग रूम नहीं है इधर, वो अंदर बना के रखा लेकिन गेस्ट लोग को मालूम नहीं है जो उधर क्या है, इधर उधर के डिफरेंसेस करता, बार में जाता है, इस तरह है। किस सीजन में जाती थी गंदगी? तो मेन सीजन में होता है, अक्टूबर से आपका जनवरी फरवरी तक रहता है। हाँ, वो 6 महीने था कितना गंदा भी रहता है, और अभी हवा चले जाएगा उधर, अभी थोड़ा सफाई रहेगा। अरे जो जेटी आया था ना, दो दो बार जेटी बनाया था, इधर से सब लेके जाता है, इधर भी कुछ नहीं होने नहीं देता, कौन लोग होने नहीं देता ये हम लोग को नहीं मालूम, कौन कौन लेके जाता। सरकार ने यहाँ पर काम किया, सरकार सब कुछ करता है लेकिन सब कुछ आता भी है, लेकिन यही का जो कौन लेके जाता ये तो हम लोग को नहीं मालूम, काम कुछ नहीं होता। ये देखो बैठने का जगह थोड़ा मोड़ा है, लाइटिंग नहीं है, गेस्ट ज्यादा टाइम नहीं रुकता, वो अंदर है लेकिन अंदर तो गेस्ट को मालूम नहीं है अंदर क्या है। स्थिति यहाँ पे हम लोग अभी तक करीबन 10 साल से यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कि ये बीच का बहुत ही प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत बार यहाँ पे फ्लोटिंग जेटी आ गया, सैंक्शन हो गया, 4-5 बार सैंक्शन हो गया लेकिन ये फ्लोटिंग जेटी लेके चली गया, यहाँ से दूसरा जगह पे लेके चली गया, और यहाँ पे बीच का बैठने का कोई सिस्टम नहीं है, ना बीच न्यूटन क्लीन होता है। लोग हैब लोग पूरा अंडमान जाना जाता है टूरिज्म के ऊपर, लोग यहाँ पे आता है आके बारिश में भीगता है, कोई जगह नहीं है, लाइट नहीं है, लोग आके ऐसे डर के मारे चले जाते हैं। तो मेरा कहने का ये है कि यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज होना चाहिए और लाइटिंग वगैरह बैठने का जो भी है यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है। आपका जैसा राधानगर एलिफेंट बीच वहां पे हर एक चीज का सुविधा है लेकिन इस बीच को ना क्लीन होता है ना न्यूटन। जैसा हम लोग यहाँ पे राष्ट्रपति आके गया पूरा हैवलॉक में आके गया, ये बीच में क्लीन हुआ ही नहीं है, पूरा प्लास्टिक भरा पड़ा है। वहां पे 10-15 लेबर रखा है वहां पे दो बीच क्लीन करके आईपेंट की तरफ से रखा है लेकिन यहाँ पे एक बीच में क्लीन करने का बंदा नहीं है। हम लोग रोज दुकान वाला सब मिलके यहाँ पे क्लीन करते हैं।